आप बुलाए और हम ना आए, कैसे हो सकता? मैंने कहा पता नहीं तुम किस हालात में बैठी हो कि तुम मैं आपका फैन हूँ. कलाम था, मैं कैसे ना सुन क्या नहीं, आवाज कलाम माशाल्लाह. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. इकबाल का मैं इनको सुना रहा था, मैंने ये दोबारा पढ़ा पिछले दिनों और मैं बिल्कुल उसमें जो मजा था वो बड़ा. तो वो कहता है कि तेरे मकाम को, यानी कि इंसान को कह रहा है कि तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, कि सितारों के पढ़ने वाले जो हाल है वो क्या जाने, कि खाक जिंदा है तू ताबे सितारा नहीं, कि यू आर फ्लाइंग डस्ट फ्लोटिंग डस्ट व्हिच इज बियॉन्ड द स्टार्स. अब ये तो, ये समझना, ये बड़ा जबरदस्त है जो आगे कहता है. यही बहिश्त है, हूर और जिब्राइल भी है. यही बहिश्त है, हूर और जिब्राइल भी है. बहिश्त यानी कि जन्नत. अलामा साहब कह कि यही जन्नत है, हूरे भी इधर ही हैं, जिब्राइल भी इधर ही है. तेरी निगाह में अभी शोखी नजारा नहीं. बेशक मैं समझ गई, यानी कि तुम्हारी नजर, तुम्हारी परसेप्शन लिमिटेड है, उसमें भी वो शोखी नजारा नहीं, तो सब कुछ इधर ही है. या यू नीड टू यू नो जस्ट ओपन योर माइंड. हां यस, ये मैं नहीं कह रहा, बाय द वे अल्लामा इकबाल कह रहे हैं. देखिए मैं समझ गई, हम सब समझ रहे हैं. अच्छा जी, फिर कहते हैं मेरे जुनून ने जमाने को खूब पहचाना. अच्छा, ये डिस्कशन मैं बताना चाहता हूँ कि ये कल किस तरह हम इस चीज पे आए. मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे एक प्रोफेसर ही हैं इसरार साहब, चिश्ती साहब, तो हम बात कर रहे थे कि जब इंसान तसव्वुफ के रास्ते पे जाता है, तो वो इतनी एक दुनिया इस तरह की है कि उसमें अगर इंसान को समझना है तो कई दफा वो खो भी जाता है उसके अंदर. और कई आप लोग देखते होंगे जिस तरह फकीर, या कई लोग बल्कि सड़कों पे कपड़े फटे हुए चल रहे हैं और घुमे हुए, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या, बिकॉज एक और रेल खुल जाता है. अगर इंसान में ताकत ना हो उसको समझने की तो वो समझ नहीं पाता. तो कहते हैं अल्लामा कि मेरे जुनून ने जमाने को खूब पहचाना, मेरे जुनून ने जमाने को खूब पहचाना, वो पैरहन मुझे बख्शा के पारा पारा नहीं. सुभान अल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत. मैं इतना लकी हूं कि जो मुझे, मेरी जो समझ है वो ऐसी मुझे अता हुई कि मेरे जो कपड़े हैं वो फटे हुए नहीं है. मैं वो फकीर हूं जिसके, जिसको आगे कहते हैं आखिरी, गजब है ऐन करम में बखील है फितरत. गजब है ऐन करम में बखील है फितरत. यानी बहुत हैवी डीप है ये. यानी कि गजब है ऐन करम में बखील है फितरत, स्पाइट ऑफ नेचर. के नेचर का निजाम इतना, उस नेचर को देने के लिए इतना कुछ है, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक लिमिट रखी हुई है, उसने एक कंजूसी की हुई है थोड़ी सी. कि लाल नाब में आतिश तो है. लाल नाब यानी कि लाल हीरा समझ लें आप, रेड कलर का, रेडिश रूबी. के ला, और ये इस पूरी कायनात को, ये दुनिया को कह रहे हैं लाल नाब. कि लाल नाब में आतिश तो है, शरारा नहीं. खूबसूरत, इतना कंट्रोल, इतनी कंट्रोल वो चीज है कि वो. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, एक चीज बड़ी खूबसूरत थी. मैंने कहा वेरी नाइस. तुम बताओ कैसी तुम्हारी. आई एम गुड, आई एम प्रीटी वेल. स्टेइंग होम, ईटिंग, वॉचिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, टेकिंग क्लासेस, बट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. बट या, गुड, माशाल्लाह, यू लुकिंग फ्रेश एंड ग्लोइंग. And I'm on Corona vacation, that's why. We're all on Corona vacation. It's a good detox also. Pata, is tarah कई चीजों का एहसास भी होता है और इंसान अपने आप से कनेक्ट करता बहुत है. अली, मैं आपको बता रही हूँ, इतना एहसास हुआ है क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी. आई डिडंट हैव अ सिंगल डे ऑफ, लाइक एवरी डे आई वाज वर्किंग, लाइक काम. वेब सीरीज की शूट है, टीवी की शूट है, ट्रैवल कर रही हूँ, आगे फिल्म की शूट प्लान है, सब कुछ. तो मुझे ये हो रहा था, मैंने मिशी से कहा कि मिशी वो कौन सा दिन आएगा जहाँ मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर सकूँ. अल्लाह मियाँ ने कहा कि दूर नहीं वो.
अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, चूंकि तुम बड़ी तुम्हारे जो सही होता है तुम वही बोलती हो, तुम डिप्लोमेटिक नहीं होती. ये जो सारा कुछ हुआ है, जिसका तुम भी एक्टर हो माशाल्लाह, तुम्हें इतनी इज्जत दी अल्लाह मियां ने, कहाँ कहाँ जाके काम नहीं किया, एंड यू सच अ फैंटास्टिक एक्टर. मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया. मुझे बताओ इस सारी सिचुएशन के बाद जो ये जो सारी चीज है, हमारा इंडस्ट्री और शोबिज और हमारी ये ग्लैमरस लाइफ और ये सारा कुछ है, एकदम से किसी किसी चीज का कोई माने रहता है, कुछ लगता है कि जिस चीज के पीछे कई नहीं रहता? एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड. सी, वी हैव एवरीथिंग नाउ, बट हमारे किसी काम का नहीं है. आज गाड़ियां है, अच्छे घरों में रह रहे हैं, खाने के लिए सब कुछ है, मगर इतना खौफ है. रिश्तों का कैसे, काम का, डेली लाइफ में हम पागलों की तरह काम कर रहे थे. हमारे अलग ही ना एक पॉज का बटन दबाया. खैरो, किन हवाओं में हो, थोड़ा सा धीमे, थोड़ा खुद को तो देखो, जानो तो सही कि तुम्हारी औकात क्या है. हम लोग कहाँ है, हम लोग क्या समझते हैं खुद, क्या हमारी प्लानिंग थी, क्या सोच रहे थे. तो एक सेकंड के लिए जो हिला दिया ना अल्लाह ने, वो जो रियलाइजेशन होती है, जो जो क्या उसे कहते हैं, कदर हुई है चीजों की, लोगों की, अपनी आजादी की, कि हम असल में कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कि कैसे हम किस लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं. और दूसरा ये कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है और लोग भी ये समझते हैं. और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड और तुम बताना, तुम उससे एग्री करती हो कि नहीं, यार देखो आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने मशहूर हो, आपकी कितनी आपके पास गाड़ियां हैं, फिल्में आ रही हैं, गाने के, ये सब चीजें आपको प्रॉमिस नहीं करती हैप्पीनेस और कंटेंट. हैप्पीनेस और कंटेंट आती है जब, मुझे तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप किसी को खुशी देते हैं, जब किसी के लिए कुछ करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी उसमें मिलती है. यहाँ पे चार दोस्त आपके, जो बिल्कुल सिंपल आपके चार दोस्त हैं, वो अच्छी सी कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहे हैं. चार दोस्त भी ना हो, वो एक दोस्त, एक भी हो जाए तो बड़ा है. बिल्कुल सही बात है, एक भी हो जाए तो बड़ा है. बिल्कुल ऐसे ही. पर हाँ, पर आई फील कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ना दिल में ऐसी बातें रखो, ना किसी के लिए ग्रजेस होने चाहिए. देखिए लाइफ कितनी छोटी है. इस वक्त तो मैं कहती हूँ, ना गोरा ना काला, ना पंजाबी ना, हम सब एक साथ खड़े हैं. पूरी अल्लाह मियां ने पूरी दुनिया को कहा है कि तुम सारे इक्वल, इस बराबर हो. कौन है किसी, प्रेसिडेंट से लेके, तो कोई अगर मजदूर है या प्रेसिडेंट है, कोई गरीब मुल्क का है, कोई अमीर मुल्क का है, किसी की कितनी तनख्वाह है, कितनी तनख्वाह है, सब बैठ के घर में डर के बैठ के कहा कि जरा सोचो. इसलिए मैं चाह रहा था कि लोगों के साथ इस तरह की चीजें शेयर की जाए. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमारे लोगों को ना थोड़ी सी सोच अपनी, थोड़ा दिमाग खोलने की बहुत जरूरत, थोड़ा सा जज ना करें, थोड़ा दिमाग खोलने की बहुत जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग खोलने की बहुत जरूरत. अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव थी वलीद के साथ, तो मैंने कहा आर पीपल आर नॉट यू नो ओपिनियनेटेड, दे डोंट हैव देयर ओन ओपिनियन, वी आर फॉलोअर्स. किसी ने कुछ कह दिया या कहीं पढ़ लिया तो हम बस बगैर सोचे समझे, हम यही देखेंगे. हमारी अपना पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी अपना अपना विजन बहुत जरूरी है. अपने आप को, हाँ बिल्कुल. दूसरी बात कि हम ये भी चाहते हैं कि हम ही ठीक हो, हमें सब पता है, और जो हम कह रहे हैं हमारा पर्सपेक्टिव वही सही है, दूसरा जो है वो उसको उसको कुछ नहीं. सब अल्लाह मियां, और सब अल्लाह मियां भी बन गए हैं, सब ना अल्लाह मियां बन गए हैं, अल्लाह माफ करे, सब अल्लाह मियां क्यों बन गए हैं, क्यों जज करते हैं किसी को, जज करने का है? किसी को जज करने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है. कोई इंसान किसी को जज नहीं कर सकता कि किसी के दिल में क्या है, उसकी नियत क्या है. जो है बड़ी सबसे हटके क्या कर रहे हैं आप, कैसे गुजर आपका क्वारंटाइन? यार मैं, मुझे तो एक ही काम थोड़ा बहुत आता है, गाने गाने. मुझे बता दो कैन यू से कौन सी, गुलाबी आंखें, गुलाबी आंखें, यस.
कोशिश करता हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। खूबसूरत। आप ये देखिए, कभी अली सफर आपको इस तरह नहीं मिलेंगे, कभी मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा। तो कोरोना ने कितनी खूबसूरती से हम सबको एक साथ, एक दूसरे की कदर कितनी होने लगी है, बिल्कुल जोड़ दिया। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अली, सबको एंटरटेन कर रहे हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। यू बीन आल्सो डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैंने तुम्हें शायद मिलके लास्ट टाइम बताया भी था, आई थिंक कि जो हमारी हिस्ट्री में जो एक्ट्रेसेस आई है ना जबरदस्त, जिनका इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस स्क्रीन पे, क्योंकि टू होल्ड योर ओन, आई थिंक यू वन ऑफ द वेरी वेरी गिफ्टेड। मैंने तुमने एक ही सीन किया हुआ है एक फिल्म के अंदर, वो भी बाथरूम में था, छोटा सा चुन्ना सा, चुन्ना सा सीन था। बट चलो इंशाल्लाह फिल्म करते हैं साहब आगे, कुछ मजे की चीज करते हैं। आई वुड लव टू, आई वुड लव टू शेयर थिंग विद यू। डन जी, चलो इंस्टाग्राम, चलो लवली मीटिंग यू, लवली टॉकिंग टू यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय।